शौहरत से जलते हो। शौहरत? तुम इसे शौहरत समझती हो? अपना घर छोड़कर अपने बच्चे को नौकरों के हवाले करके मॉडलिंग और कमर्शियल्स करने को तुम शौहरत समझती हो? कितने अफसोस की बात है कि जिस बच्चे की मां उसके पास मौजूद है वो बच्चा नौकरों के हाथों में परवरिश पाए। यू शुड बी अशेम्ड। बच्चे को बीच में मत लाओ। क्यों ना लाऊं बच्चे को बीच में? आ गया वरना क्या? Come on, चल मिजाज। वरना क्या कर लेते तुम? वरना ये कि मैं बहुत कुछ तुम्हारे बीच में रही क्या गया है? तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे दरमियान। सुना तुमने? सुन लिया और अब कुछ सुनने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। मामा, मामा, पापा, पापा। कैसा है मेरा बेटा? क्या हुआ? बेटा जरा जाके यार अंकल को तो लेकर आओ। आर यू ऑल राइट? हाँ ठीक हूँ। जरा रेस्ट करने के लिए लेटा था तो नींद आ गई थी। बीवी याद आ रही? बीवी याद आ रही? नहीं याद तो नहीं आ रही। अगर आ भी रही है तो क्या हुआ? उसने कुछ छोड़ा ही क्या है याद करने के लिए? आयात कहाँ है? आयात उसकी जो तैयारियां हैं वो औरतों से भी गई गुजरी हैं। क्यों? दो सूटकेस कपड़ों से भर चुके और तीन चार जोड़े भार रखे कि वो आपके सूटकेस में डालूंगी। जैसे अगर उसका यही रहा तो उसको तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी। देखो नैना अब तुम्हारी ये ज्यादती है। उसे यहाँ कपड़े पहनने का मौका ही कहाँ मिलता है? सुबह जो ड्रेस पहन के जाता है तो वापस आके उतारता है, वो भी स्लीपिंग सूट पहन लेता है। अब उसका अगर शौक है ड्रेसअप होने का तो उसे कपड़े पहनने दिया करो और वहां जाके भी पहनने देना, समझी? ठीक है लेकिन जासिम ये शौक उसको थका देगा। मरी जाके वो हर मोड़ से वापस सिर्फ घर आएंगे कपड़े बदलने के लिए। प्लीज जासिम उसको चलो कुछ समझाओ तो सही। कम ऑन रिलैक्स, उसकी आदत से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घबराओ। अच्छा वो है कहाँ? चलो जाके देखते हैं वो कर क्या रहे। कपड़े रख रहे होंगे। नहीं हुआ, बातचीत चल रही है। अच्छा क्या? अच्छा बात तो सुने जाजिम भाई, मैं सोच रहा हूँ कि इस वादी के रास्ते में एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा दूं और उसमें बड़ा बड़ा लिखूं कि अपनी मुंतशिर सोचे और परेशानी यहीं छोड़ के जाए और वापसी पर पर्ची दिखा के अपना सामान ले जाइए। यार जासिम हम यहाँ पे तुम्हें इसलिए लाए कि तुम लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है मसले मसाइल हर एक के साथ होते हैं लेकिन यार डिप्रेशन को अगर साथ लेके चलोगे तो। और मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है ना जासिम भाई, कल ही मैं मरी वापस जा रहा था कि मम्मा का फोन आ गया कि अभी इस्लामाबाद नहीं ठहरो आप लोग आने।
मान से मैं तो खुशी के मारे पागल हो रहा था कि अब आएगा मजा। तुम खामा खा सीरियस हो, वादियां इतनी अच्छी है कि नजरें हटाने को दिल नहीं चाहता। तो फिर ठीक है। हाँ तो नैन आपी, मैं गाना कहाँ छोड़ा था? नजब, खुदा के वास्ते हम तुम्हारे गाने नहीं सुनने आए यहाँ पे। सॉरी भाई, वो तो आप लोग को सुनना पड़ेगा। असल में मेरी बचपन की आदत है कि एक मिनट, ये जहाँ तक अच्छी तरह याद है कि बचपन में तुम माकूल हुआ करते थे अच्छे खासे। ये हादसा कब पेश आया भाई? और वैसे बीना तो ठीक है ना? जी नहीं, मेरे हिसाब से तो वैसी नहीं। तुम तो अपनी बात मत करो, तुम तो हिसाब किताब में बहुत ही कच्चे हो। तो आप बड़ी पक्की हैं? जी जनाब, इल्मे रियाजी की माहिर हूँ और कॉलेज में मैथ्स की क्लास लेती हूँ। ओह, माना कि आप इल्मे रियाजी में ताक हैं। टूले शबे फराक जरा नाप दीजिए। अच्छा तो आपको शेर व शायरी से भी शगफ है? मैं छपरे रंग सा ए माल तैयार है, तू बाजार के तो जुलसा हुण जुलसा, तू पहले वाला माल दे दे, मैं बाजार जुलसा ते नाले नवाज नु भी ले आवा। खैर सरत माल तैयार है? हां तैयार है। ए रे फट खुदाफ। ए जरी रोटी अजी खासा ना? आप ठीक है फिर। अच्छी ये कब आ रहे थे? नहीं तो हम जबरदस्ती उठा के लाए। दरअसल इनकी बड़ाई मजे थोड़ी सी तप रही थी, हमने कहा हम तो जा ही रहे हैं, हमारी तो थोड़ा सा सवाब भी हासिल कर ले। हैं ये लीजिए गरम गरम चाय। भाई वाह, अल्लाह बीना कितनी अच्छी हो गई बड़ी होके।
بڑی ہو کے کیا مطلب؟ او نینا پی، آپ دوسروں کے جذبات کی ترجمانی کتنی خوبصورتی سے کرتی ہیں۔ یہ لوگ یہاں مہمان ہیں، چلے جائیں گے پھر دیکھ لوں گی تمہیں۔ یہ سوچنے کے لیے تو ابھی کافی ٹائم ہے میرے پاس۔ ہاں جاسم، یہ میری بھانجی ہیں حجاب، کل ہی لاہور سے آئی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ سوری جاسم، اس بینا اور نجف کی باتوں میں بھول ہی گئی، یہ میری اکلوتی دوست ہے۔ ان کا مکمل تعارف صرف یہی ہے کہ ابھی ان کا تعارف ہوا ہے، اس لیے اتنے ادب اور لحاظ سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہماری ایسی مزاق کہاں کہ آپ تو ہنسنے سے رک سکے، یہی کام تو آپ دو سلیقے سے کرتی ہیں۔ ویسے اکلوتی دوست، اگر آپ یہ کام ہماری اکلوتی بہن کو بھی سکھا دینا تو بھائی پیسے وصول ہو جائے۔ نجف کے بچے، ہماری ایسی قسمت کہاں، ابھی تو راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ موجود ہے۔ کتنا کیوٹ بچہ ہے نا، ویسے تمہارے خاندان کا نہیں لگتا۔ ہاں سادی بیٹے، کتنا کام باقی ہے؟ آئی تھنک ٹو آورز مے بی۔ اچھا تو ایسا کرنا کہ پھر جلدی سے آ جانا، ڈنر ساتھ ہی کریں گے۔ نہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ جلدی پہنچ جاؤں۔ ہاں لیکن کام چھوڑ کر مت آنا، کیونکہ کل کلائنٹ نے آنا ہے۔ پھر تو آپ کو کچھ زیادہ ہی انتظار کرنا پڑے گا۔ نہیں میں جیسے ہی ختم ہوتے کام میں پہنچتی ہوں۔ الوداع۔ ٹھیک ہے، اوکے، آل رائٹ مام، بائے۔ ارے آپ لوگ تو یہاں کے بیٹھ کے چلے نا بھائی۔ ہاں بس چلے۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ بھائی میں تو اس وقت ایک کپ کافی کا پیوں گا۔ نین ایسا کرو کہ تم لوگ سب گھوم پھر کے آ جاؤ، پھر چلیں گے کشمیر پوائنٹ۔ ہے چلو ہم لوگ چلتے ہیں۔ میں گھوم پھروں اور آپ لوگ آرام کریں۔ چلے نا، چلے نا، پلیز چلے نا، چلے۔ اچھا میں کافی کا آرڈر دے دیتی ہوں، پلیز پھر وہ کافی اور پانی آپ لوگ۔ یار اتنا بولتے ہیں سر میں درد ہو گئی ہے قسم سے۔ یار جاسم، یہ اتنا سا بچہ اپنی ماں کو مس نہیں کرتا ہوگا؟ کرتا ہے یار، لیکن اب وہ اسے مس کرنے کا عادی ہو گیا ہے۔ سادی اچھا نہیں کر رہی ہے۔ ہاں سادی کو دراصل بگاڑنے میں اس کی ماں کا بہت ہاتھ ہے۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ میں کہہ رہا تھا کہ سادی کو بگاڑنے میں اس کی ماں کا بہت ہاتھ ہے۔ کیوں؟ وہ بچی ہے کیا؟ وہ خود ایک ماں ہے یار، شوق کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ چھوڑو یار، کیسی باتیں کر رہے ہو، اس حد کو پار کرنے کے لیے بھی تم ہی نے اس کو اجازت دی تھی۔ اچھا تم کافی بناؤ، میں ایک فون کر کر آتا ہوں۔ جاسم کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے تمہاری،
शौक की भी एक एक हद होती है साथ। लेसन जासिम, बात शौक की नहीं है। देखो, हमें अपने क्लाइंट्स की डिमांड्स का भी ख्याल रखना होता है, और फिर वो तो बहुत बड़ी पार्टी थी। अब ये उन्हीं की जिद थी कि अगर मैं उनके कमर्शियल में मॉडलिंग नहीं करूंगी तो वो कमर्शियल हमसे नहीं बनवाएंगे। सिंपल इज दैट। यू कुड हैव रिफ्यूज्ड दैट ऑफर। अगर तुम्हारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का शुमार अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में होता, एक अकाउंट के निकल जाने से क्या फर्क पड़ता? कम ऑन जासिम, अगर मैं इसी तरह एक एक करके सबको रिफ्यूज करने लगूं तो हमारी कंपनी तो कोड़ियों के दाम बिक जाएगी। तुम समझते नहीं हो। क्यों? जो एडवर्टाइजिंग एजेंट्स अपने क्लाइंट से कमर्शियल्स में काम नहीं करते वो कोड़ियों के मोल बिक जाती है क्या? लिसन जासिम, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ बहस करने के मूड में नहीं हूं। मैं भी तुमसे बहस करना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मुझे इस घर को तुम्हारी जरूरत है, और स्पेशली जाजी की पैदाइश के बाद तुम्हारा रूटीन चेंज हो जाना चाहिए। ओह गॉड जासिम, देखो तुमने जिद करके मुझसे कॉफी बनवाई है और अब तुम उसे पी नहीं रहे हो। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हो, तुम्हारी नेचर ही कुछ ऐसी है। हेलो, हाँ ये सुनो, कल की शूटिंग लाइनअप हो गई है? हाँ वो मैं ही कर रही हूँ, दैट्स कंफर्म। सब लोग टाइम से पहुंच जाना, ओके? ऑलराइट, ओके, आई विल सी यू टुमारो। अरे तुमने कॉफी नहीं बनाई अभी तक? किधर घूमते भाई? कहीं नहीं। बैठते हैं और फिर मैं अगले मोड़ तक चलती हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? थोड़ी दूर और साथ नहीं मिलेगा? क्यों भाई? ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है क्या? इस कैफियत में तो सारी दुनिया ही पागल है जाओ, और वैसे भी तुम्हारी और मेरी मंजिल अलग तो नहीं। देखो देखो ना, जब तुम होश में आ जाओ, हाँ वरना मैं नैनापी बीना। क्या हुआ है, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? देखिए ये मुझसे फजूल बातें कर रहा है और मुझे तंग कर रहा है। और तुम लोग इतना आगे क्यों आ गए थे? इसलिए कि वो हमारा कपल देख ले और हमें खा जाए। ठीक कह रहे हो, इस जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। अच्छा चलो घर चलो। साहब जी थक गया, उठा लो। अरे भाई उठा लो यार, तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। साहब जी फूल ले लें, ये नवाज है। हाँ ये तो नवाज है, लेकिन तुम कौन हो? मैं जर्मीन है। साहब जी फूल ले लें। हाँ कितने के हैं ये? सिर्फ 20 रुपए के। 20 रुपए? जल्दी कराओ। नहीं चलो। हाँ हाँ चलो। पता नहीं वो कौन है, मकामी लोगों के सामने अगर उसका जिक्र करो ना तो उन पे गहरी खामोशी छा जाती है। बाहर से आने वाले खौफजदा हो जाते हैं, चाहे यहाँ पे कितना ही रश क्यों ना हो, लेकिन उसका खौफ नहीं जाता। तो होता क्या है, आज से 6 साल पहले कराची का एक नौजवान पहाड़ियों से गिर के हलाक हो गया था। उसके किसी साथी ने बताया था कि उसके साथ एक मकामी लड़की भी थी जो उस वक्त जख्मी हो गई। कुछ दिन बाद उसे होश आया, दिमाग पे चोट लग गई थी। कुछ अरसा गुमसुम रह के वो भी मर गई। तब से ये दास्तान मशहूर है। तो पुलिस ने तफ्तीश नहीं की? ये तो साफ कत्ल है। की थी मगर कुछ पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि कत्ल था, कुछ लोगों का कहना है कि वो लड़का खौफ से भागा और गिर के मर गया। वो जो लड़की थी उसने क्या कुछ नहीं बताया?
नहीं, क्या हो सकता है कुछ बताया हो इसी वजह से मामला ठंडा पड़ गया हो। लेकिन प्लीज हिजाब, तुम रात को कभी भी किसी मर्द के साथ अकेले मत निकलना, चाहे अकेली क्यों ना चली जाओ। है? ये क्या बात हुई? बल्कि अकेले जाना ज्यादा खतरनाक है। यहाँ ऐसे कई किस्से मशहूर हैं कि लड़की अकेली तो बाहिफाजत घर पहुंच जाती है, मगर उसके साथ अगर कोई मर्द हो ना तो वो जरूर उसका पीछा करता है। फिर अगर उनकी लक हो तो दोनों बच जाते हैं, वरना ऐसे ही कोई बचाने वालों के मुंह से ही ऐसी कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। चलो भाई, मुझे अगर मिला ना मैं तो जरूर शुक्रिया अदा करूंगा उसका। क्या मतलब? मतलब ये कि वो शख्स बीवियों का सताया हुआ आदमी है और शौहरों की मदद कर रहा है। कम से कम अगर मुझे कहीं जाना हुआ तो वो बीवी को तो नहीं लेके जाऊंगा। भाई आदमी को तो कुछ नहीं कहता ना अकेला अगर जाए तो। नहीं, अब ऐसा भी नहीं सुना, वो सिर्फ कपल्स का ही पीछा करता है। देखा, मेरा अंदाजा 100% दुरुस्त है। ज्यादा खुश ना हो आयाद भाई, ये जितनी भी बातें कर रही है ना वो सब सुनी सुनाई बातें हैं। वो इंसान नहीं है, वो तो एक भटकी हुई रूह है। आपको पता है वो किसी को भी कुछ भी और किसी वक्त भी कह सकती है। एक बात बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी कि अब तक 10-15 लोग सिर्फ उसके खौफ से मर चुके हैं। चलो भाई, अगर वो भटकी हुई रूह है तो अच्छी एक्टिविटी रहेगी। हमें तो वैसे ही शौक था रूहों और बदबुओं से मिलने का बचपन से। बस करो यार, तुम्हारे बचपन के सारे शौक उठ पटांगे हैं। ए, मेरे बचपन को कुछ मत कहना भाई, वो तुम्हारे बचपन में नहीं तुम्हारे शौक को कह रही है। अरे यार एक ही बात है, और वैसे अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया ना तो तुम्हें अकेला घुमाने ले जाऊंगा, और वो भी रात में। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो रूह है और वो भी भटकी हुई? मैंने देखा है उसे। सच? नजब, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? वो देखने में कैसा है? वो अजीब सा, बहुत खौफनाक सा। स्टूपिड। मुझे आपके घर का पता नहीं है। अच्छा घर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अच्छा बात सुनो, वो जो उस दिन वो लड़की तुम्हारे साथ थी वो कौन थी? वो जमीनी, मेरे चाचा की बेटी। कहाँ होती है वो? खान जी क्या काम करती है? चलो मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। वालेकुम सलाम, तुम यहाँ? ये खान जी का घर है। मैं यहाँ काम करती हूँ साहब जी। कमाल है, हम लोग तो यहाँ 2 दिन से रह रहे हैं, लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं देखा, बल्कि मैं तो तुम्हें तलाश कर रहा था। वो मुझे थोड़ा काम था इसलिए नहीं आ रही। अच्छा मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? बाद में आऊंगी साहब जी, 2 घंटे की छुट्टी ले रही हूँ।
چیزوں کی اصلیت ہم پر اس وقت کھلتی ہے نین جب ہم انہیں قریب سے چھونے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جاسم چھو کر دیکھنے سے تو ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں. کسے کہتی ہو تم سیٹسفیکشن؟ نہ چھو کر صرف ایک احساس ہوتا ہے افسوس کا کہ کاش ہم ایسا کر لیتے. کسی کو پا کر اگر ہم وہ سب کچھ نہیں پاتے جس کی ہم نے تمنا کی ہوتی ہے آرزو کی ہوتی ہے تو پچھتاوے ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. میں نے بھی دور کی چیز کو چھونے کی کوشش کی تھی سو آج پچھتا رہا ہوں. میں سادی میرے لیے اندھیروں میں چمکنے والے جگنوں کی طرح ہے جو کبھی ہاتھ میں نہیں آتا. نیور. جاسم یہ تمہاری بیڈ لک تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خواب نہ دیکھے اس کی تعبیر کی کوشش نہ کرے. تم میری بات نہیں سمجھ رہی نین. دیکھو خواب دیکھنے پر تو ہمارا اختیار ہوتا ہے لیکن تعبیر پر نہیں. میں نے بھی شادی کو چاہنے کا خواب دیکھا تھا خوبصورت مگر اچھوتا خواب. اس کی تعبیر تمہارے سامنے ہے. تم نے کچھ سوچا ہے؟ I mean, you or her, of any compromise? نہیں میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں جہاں پر قدم قدم پر تذلیل کا احساس ہوتا ہے. نو نیور میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. اگر یہ زندگی اس کے لیے بھی اتنی حسین ہے تو میرے لیے بھی اتنی ہی حسین ہے. تمہیں جاسم تم نے یہ آواز سنی؟ ہاں یہ کیسی آواز تھی؟ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی یہاں پہ موجود ہے. جاسم چلو یہاں سے بہت ڈر لگ رہا ہے. ہاں چلو. ہم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تو بس ایسے ہی. وہاں پہ کوئی ہے؟ ارے کوئی نہیں ہے. تم خام خام خوف زدہ ہو رہی ہو. خام خام؟ اور وہ قدموں کی آواز؟ تو ہمارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے. ہمارا وہم؟ جاسم ایک وقت میں دو آدمی کو ایک ہی جیسا وہم نہیں ہو سکتا ہے. چلو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, گھر چل کے باربیکیو کرتے ہیں. اور وقت نہیں پڑے گا یار. آئے کس لیے؟ یہ زرمین بہت اچھی ہے. ہاں باتیں بڑے مزے کی کرتی ہے. پڑھی لکھی ہے کیا؟ ہاں ہاں کلاس ایک تک پڑھا ہے اس نے. آگے پڑھنے کا شوق بھی تھا مگر ماں کے انتقال کے بعد پڑھ نہیں سکی. پتہ ہے مجھ سے روز میگزین لے کے جاتی ہے پڑھنے کے لیے. بہت شوق ہے اسے پڑھنے کا. ارے بینا زرمینا اس بھوت کے بارے میں کچھ جانتی ہوگی. کیوں وہ گیا کسی بھوتوں کی نسل سے آئی ہے؟ ویسے میں نے اسے کلیڑنے کی بہت کوشش کی, اسے شاید کچھ معلوم نہیں. بس جو کچھ مشہور ہے وہی جانتی ہے. کہاں چلی گئی تھی تم؟ وہ جی کام تھا جی. تمہارے بھی کسی کام کا کوئی نام ہوتا ہے؟ جب پوچھو کام تھا جی. زرمینا جازی کا ہے؟ وہ جی میرے ساتھ اندر جائے. وہی زبردست لڑکی بہت کمال کی ہے. مطلب اظہار کیا نہیں اور خواہش پوری ہو گئی ہے. میرا مطلب ہے کہ تم بھی کچھ سیکھ لو اس سے, گھر پہ کام آئے گا. ایاد یہ چھٹی بار تم نے چینج کی ہے. چھٹی بار نہیں ساتویں بار. اور اگر تمہارا حساب کتاب کمزور ہے نا تو میرا حساب کتاب چیک مت کیا کرو سمجھیو. پتہ ہے جتنی جلدی کھاؤ گے اور جتنا سارا سارا کھاؤ گے نا اتنی جلدی بڑے ہو جاؤ گے. اور اگر نہیں کھاؤ گے اتنے سے ہی رہ جاؤ گے. بڑے نہیں تو ڈاکٹر کیسے بنو گے ہے نا؟ آنی بہت اچھی ہے نا پاپا. ہاں بیٹا آنی واقعی بہت اچھی. اے زنی تو کدھر نہیں گھسنا؟ نہ چاچا اب تک نہیں آئے.
नहीं, वो बूढ़ बन गया है। सवेरे आसी शायद रात ही अच्छी रहे। ए, नमाज किधर है? ओ खान चाचा ने गार गया है, शहर से नहीं आया शहरी बाबू। हाँ, उसने बच्चे तो संभाल ले। ते उस बच्चे नी माँ? पता नहीं, मैंने तो नजर ना आई, पर वो बच्चा बड़ा सोना सी। मैंने तो उसने उसने बाप ने तरस आ दिया। पूछा तो नहीं, पर लगता है कल्ला है। लगना तो कि और काम ले ही रिया। काशी, अम्मी ने बाद जब बाबा कल्ला हो गया सी ना, तो उसकी अखा बिल्कुल वीरान हो गई सी। बिल्कुल उस तरह जिस तरह जानो में वादी थी सड़क। मैंने उसकी अखा भी बिल्कुल वैसे ही लग गई। ए जरी, तू की पता ना कि वादी की रौनक कितने अरसे बाद आंदी है। खैर, मैं जुलिया दर बंद करके, लगना बारिश होने वाली है। एक कमबख्त नवाज अजी तक ना आया। खैर, तू बाहर ना जुलसा। रब रखा। रब। मेरी सबसे बड़ी टेंशन मेरी बेटी सादी की मैरिड लाइफ है। जी, आपका मतलब है मिसेस सादत यजदानी मैरिड है? ये मेरी ही नहीं, सादी की भी बदकिस्मती है कि वो इतनी बड़े जायदाद की इकलौती मालिक होते हुए जासिम के चक्कर में आ गई। What do you mean by that? Yes, she is in love with him. और छोटी उम्रों में तो ऐसा हो ही जाता है। जासिम एक खूबसूरत नौजवान है और खूबसूरत बातें भी करता है, जिससे उसने शादी को जीत लिया है और अपनी तरफ मायल कर लिया है। मैंने शादी को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये लोग तुम्हारी स्टेटस के मुताबिक नहीं हैं। मैंने उसे कहा है कि जो कुछ तुम चाहती हो वो तुम्हें नहीं दे सकेंगे, लेकिन शादी जज्बाती हो गई और उसने जासिम से शादी कर ली। जाहिर है जासिम ने थोड़े दिनों में अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी और वही अपनी घटिया हरकतों पर आ गया और अब दोनों में सेपरेशन है, इसीलिए सादी इतनी ज्यादा अपसेट है। So what? Divorce ले ले? It's not so easy, Mr. Adil. सादी एक लड़के की माँ भी है। Oh. It's a surprise for me. लगता नहीं है बिल्कुल ऐसा। I'm so sorry. मैं आपके साथ अपनी पर्सनल बातें लेकर बैठ गई हूँ। I'm so sorry. कोई बात नहीं मिसेस यजदानी, मैं जिन लोगों को अपना समझता हूँ उनके प्रॉब्लम भी मेरे अपने होते हैं। थैंक यू। मैं बस चाहती हूँ कि शादी इतनी बिजी हो जाए कि उसे कोई चीज याद ना रहे और वो अपसेट होना छोड़ दे, इसीलिए मैंने ये प्रोजेक्ट जो है उसके हवाले कर दिया है। आप अब उसी से सारी डीलिंग्स करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये बिजी हो जाए ताकि। आप फिक्र ना करें, मैं सब बात समझ चुका हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं शादी मसरूफियत के साथ साथ लाइफ भी एंजॉय करें। थैंक यू मिस्टर अदील। हाय मॉम। हेलो सादी। हेलो मिस्टर अदील। अदील साहब तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। ओह, आई एम सो सॉरी फॉर दैट मिस्टर अदील। एक्चुअली लास्ट नाइट में कुछ ठीक से सो नहीं सके थे। ना माइंड, मेरे ख्याल में चलें। कहाँ? भाई लोकेशन पर। अच्छा, ऑलराइट, ओके मैम, फिर हम चलते हैं। हाँ, तुम अब जाओ और देखो, रिमेम्बर दैट दिस इज योर प्रोजेक्ट, इट विल गो टू योर क्रेडिट। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट मॉम, विश मी गुड लक। बेस्ट ऑफ लक। Thank you.
कौन है? जी मैं हूँ, वो बारिश हो रही थी इसलिए कुछ देर के लिए। अरे तुम यहाँ? ये मेरा घर है साहब जी। आप ऐसा करें, चलो साफ कर लें, यहाँ पे बारिश के साथ चलने वाली हवा सर में दर्द कर देती है। बैठे साहब जी। आप अकेले? मैं तो बरसों से अकेले हूँ जमीन में। जाज जी की माँ? हाँ उसकी माँ है, लेकिन उसकी दुनिया में हम दोनों कहीं नहीं है। ये शायद हम दोनों की पहुंच वहां तक नहीं है। लेकिन जाजी वो तो बच्चा है साहब जी, और वो जाजी माशाल्लाह 6-7 साल का हो चुका है, लेकिन उसने बमुश्किल अपनी माँ के साथ चंद माह गुजारे होंगे। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है साहब जी, माँ तो माँ होती है ना, और माँ की मोहब्बत तो किसी से भी हो जाती है जमीन में, खुशन उन लोगों में जिन्हें मोहब्बत की तलाश भी हो। साहब जी मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। नहीं नहीं बारिश रुक जाएगी फिर चले जाइए, मैं चाय ला रही हूँ। अंकल से बात की जासिम? हाँ यार मैंने बात तो की थी, लेकिन वो बहुत परेशान हो रहे थे। परेशान क्यों? मेरे बार बार के कॉम्प्रोमाइजेस की वजह से। यार अकलौती औलाद होने का जहाँ बहुत सारे फायदे हैं, वहाँ बहुत सारे नुकसान भी। मसलन ये कि माँ बाप की सारी सोचें सारी फिक्रें सारी दिलचस्पियां बस एक औलाद के घिरे डरे रहती है। खुशकिस्मत हो यार के अकलौते हो, हमसे पूछो 11 बहन भाई थे 11 भाई थे क्या हैं? हमारे इकलौती अम्मा और इकलौते अब्बा अक्सर भूल जाया करते थे कि किस बेटे का क्या नाम है और उसकी कौन सा बिस्तर है। अम्मा का हाफजा थोड़ा सा तेज था, लेकिन अब्बा को ना हमारी शक्लें याद थी ना तादाद। एक दफा का वाक्य सुनो, एक साहब मिले कहने लगे मियाँ सलामत साहब मियाँ माशाल्लाह कितने बच्चे हैं। कहने लगे कि 3 तो भाई हमारे साथ सोते हैं, 3 का अपना कमरा है, 4 जो है वो ड्राइंग रूम में और 1 सैन में सोता है। तो भैया ये कुल मिला के 11 बच्चे हैं मेरे। मजाक नहीं कर यार, कसम अल्लाह की ठीक कह रहा हूँ, और अगर तू यकीन आए ना तो अम्मा से पता कर लेना। एक और साहब की सुनो। चलो एक और साहब की सुनो तो सही यार। कहने लगे कि मियाँ साहब मियाँ माशाल्लाह कितने बड़े बच्चे हो गए। तो कहने लगे भाई जो ड्राइंग रूम में सोते हैं उनमें से एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा, और तीसरा जो है वो बकवास नहीं कर यार। क्या यार उसका बड़ा माकूल सा जवाब था। भाई देखो ना, जब अब्बा दफ्तर जाते थे काम पे तो उस वक्त हम सो रहे होते थे, और जब आते थे तब हम सो रहे होते थे। तो भैया उन्होंने हमें ऊंचाई में तो देखा नहीं, हमें चलते। तू नहीं सुधरेगा यार, नहीं सुधरेगा। देख बार बार तो मैं कसम खाऊंगा नहीं, अगर तू ये यकीन ना आए ना तो अपनी कजन नैन से पता कर लेना, वो तुझे बताएगी। एक और वाक्य सुनाता हूँ तुझे। अब एक और वाक्य भी है? अरे भाई सुन तो सही, अब आया तो भुगतो। हुआ ये कि एक दफा हम लोग रात को खेल रहे थे अपने ड्राइंग रूम में, अब्बा जल्दी आ गए घर पे। कहने लगे ओए चलो भागो यहाँ से, क्या मुसीबत मचा रखी है तुम लोगों ने और सर में दर्द करा दिया। हम अपने अपने बिस्तरों में जनाब फौरन भाग के, एक बच्चा वहीं खड़ा रह गया। कौन था यार? सुनो ना सही यार, बीच में ना बोला करो यार। तो यार प्लीज पूरा सुन ले यार। तो एक बच्चा खड़ा रह गया, रो ही जा रहा वहां पे, रो ही जा रहा। अब्बा ने रख के उसको चमाट, भाई क्यों रो रहा तुम मुसीबत बार बार, ये क्या मसला करे साहब? तू नहीं था कहीं? अच्छा अरे चल चल ठीक। रो ही जा रहा। अब्बा ने भाई उसको पटका बिस्तर पे, बल्कि सोफे पे, कहे जब तक तू चुप नहीं होगा तो देखती और मारूंगा। कहने लगा अंकल मैं आपका बच्चा थोड़ी हूँ, मैं तो पड़ोस वाले अंकल का भांजा हूँ, आपसे खेलने आया था। अब्बा को फिर भी यकीन नहीं आया, भाई अम्मा को बुलाया, कहते हैं भाई ये क्या कह रहा है, पड़ोस का है क्या? अम्मा कहने लगी बावले हो गए हो क्या भाई, अपनी पहली गिनती तो गिन लेते फिर इसको मारते, ये होता है हमारे यहाँ। जासिम खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ।
खाने पे, खाने का तो एक वाक्य सुनाऊं। खाने पे तूने कोई वाक्य सुनाया ना, मैं तेरा मुंह बंद कर दूंगा।